कुछ ऐसे भी घराने होते हैं कि जहां अज़्वाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, कहीं बीवी की गलती, कहीं मियां की गलती, कहीं दोनों की गलती, तो उसके लिए एक अमल की इजाजत सब मस्तूरात को दी जाती है, वो पढ़ना शुरू कर दें। जितनी भी मैरिड हैं लेडीज वो तो जरूरी पढ़ें, जो बड़ी उम्र की पत्नियां समझदार हैं वो भी पढ़ें, अपने वक्त पे जब अल्लाह ने उनका घर आबाद किया तो इंशाअल्लाह उनको खुशियां नसीब होंगी। इस अमल की इजाजत किसी बुजुर्ग ने इस आजिज को दी और अब तक हजारों इंसानों को यह अमल बताने के बाद यह आजिज इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबकी परेशानियों को दूर कर दिया और घर में सुकून की जिंदगी बख्शी। तो आप भी ये अमल शुरू कर दीजिए। अमल ये है कि जब भी आप कोई नमाज पढ़ें, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, उसकी आखिरी अत्तहियात में, यानी दो रकअत की तो एक ही अत्तहियात होती है लेकिन चार रकअत में दो मरतबा अत्तहियात में बैठते हैं, तो आखिरी अत्तहियात जिसमें आपने सलाम फेरना होता है, उसमें जब आप रब्बी आलमी या रब्बना आतिना कोई भी दुआ पढ़ती हैं और सलाम फेरने लगती हैं, तो सलाम फेरने से पहले आप ये दुआ भी पढ़ा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिल्मुत्तकीना इमामा। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला आपके घर के सारे अफराद को आपकी आंखों की ठंडक बना देंगे। इसकी इजाजत उन तमाम लेडीज को है जो ये आवाज सुन रही हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता करे और घरों में सुख और सुकून की जिंदगी नसीब